डीएसएलआर चाहिए क्या समझा? डीएसएलआर बनाने समझा नहीं, डीएसएलआर के काम नहीं होता। जिसमें मैं सभी वीडियो बना रहा हूँ, मैंने इसका ऐड डाल दिया है उस पेवल एक्स पे बेचने के लिए। नहीं कुछ भी नहीं, खाली मोबाइल का नंबर डाल दिया, मोबाइल का नंबर डाल, आईडी बन गई। लेकिन इसके ठेकेकार मेरे को भी समझ नहीं आया, पैसे तो वो मांगते हैं लेकिन आज तक दिए नहीं है। अब ये नहीं पता कि बात नहीं की तरह देंगे ये क्या सीन हो गया। जब आपको ऐड डालते हो ना उसके ऊपर, तो आप उसके ऊपर एक एग्रीमेंट साइन भी करते हो। जब आप उस ऐड को हटाते हो ना, क्या समझा, तो तब भी एक एग्रीमेंट आप सामने आता है पेमेंट का। वो पेमेंट बताते हैं कितनी पेमेंट होगी आपकी, सही है। मैंने एक और काम करना, ये सलाह लेने से पहले रिंग लाइट नहीं आती है, हाँ वो लेनी है। वो लेनी है रिंग लाइट आपके पास थी? तेरे पास नहीं थी? नहीं नहीं मेरे काम में बस एक छोटी सी कमी आ रही है। वो मेरे को लड़के ज़्यादातर जो है ना, वो यही कह रहे हैं कि देवी रिंग लाइट का इशू करें, ये लाइट जो है ना डेम है। अभी ऊपर लाइटें जल रही है ना, ये फोकस बनाती है, ये चमक देती है बालों में। अब इसकी वजह से चमक बहुत ज़्यादा आती है बालों में। वो बोल रहे हैं कि इसको बंद किया कर, रिंग लाइट ऑन कर, ताकि ये बालों में चमक आती है ना, ये नहीं आए। मैंने भी अपने कमरे में सिर्फ 7 फेयर सेवर लगाए हैं लाइटिंग की वजह से। ऐसा लेकिन लाइटिंग का खाली इशू हुआ ना, तो सेवर लगाने का मसला नहीं है। सेवर तो हम 5-6 और लगा देंगे बड़े बड़े।
कि वो तो हमने सिर्फ जिस टाइम काम करना उसी टाइम ऑन करना है ना, हमारे को क्या तकलीफ होगी। लेकिन पहले कंफर्म तो हो जाए ना कि खाली लाइट कैश हो गए। आपको समझ होना चाहिए यार, इसमें सभी आपको भी है ऐसा नहीं। मेरे को देख लेना यार, तो किसी को नहीं देख, मेरे को देख। अब मेरे पास रेगुलर कस्टमर तो मेरे अपने ही आ रहे हैं, अभी तीसरी छोटी वीडियो से नहीं मैं बना रहा हूँ, ऐसे ही हो गया अपने। और कस्टमर कहाँ से रहा भाई, मेरे पास तो यही बोल रहे कि कस्टमर आ रहे हैं ना, रिपीट हो गए। मैं और मजीद कस्टमर तो नहीं लेके आ सकता, मैं वायरल होगी वहाँ पर जाकर उनके कस्टमर की वीडियो नहीं बना सकता। काम के ऊपर काम करना है, ये कर मैं तेरी वीडियो चेक बनाऊंगा ना, मैं तेरी पिछली वीडियो चेक करूंगा कि तेरी पिछली वीडियो मैंने लास्ट कब डाली है, ठीक है। अब तेरी इस वीडियो के दरमियान और उस वीडियो के दरमियान ना कम से कम 30 से 40 वीडियो का फर्क डाल देगा। ये बंद तो गई है समझ आई, लेकिन इसको मैं अपलोड करके छोड़ दूँगा। गाई थी क्या चीज़ लगाई थी, ठीक है। अभी जब तेरी ये वीडियो में डालूंगा ना, तो उस कैमरे से चेंज करूंगा इसको, उसमें मैंने तेरा फेस डाला हुआ ना, और इसमें मैं तेरी बैक की पीस चेंज करूंगा, ताकि तेरा फेस शो नहीं हो। सही कर रहा उसको, रेगुलर वीडियो डाल उसको, गानों पे कॉपीराइट नहीं लगता, लगता है ना भाई, तो उसके ऊपर नहीं करवाना डांस, क्योंकि मैंने मैंने अभी ना वो 200 साल पुरानी मस्जिद वाला मैंने ना ब्लॉग डाला ये सही है, फौरन मुझे कॉपीराइट आ गया। वो तो मैंने दरअसल में बैकग्राउंड म्यूजिक डाला हुआ था, उस पर पता क्या ये ओरिजिनल गाने बने में ये गाना नहीं चला, उनको वो जैसे वो लोग खुद गाना गा रहे होते हैं उस तरीके से खुद ही गाए, बगल के ऊपर हो जाए गाना भी जो है ना, उसके मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगा बिल्कुल अपने गाए। कॉपीराइट तो नहीं आना चाहिए, अपने मोबाइल से बनाएगा तो वो भी रिकॉर्ड हो रही होती है, सही है। दूसरी बात, कभी मैं दिन में बना रहा होता हूँ, कभी मैं नाइट में बना रहा होता हूँ, कभी मैं किसी टाइम बना रहा होता हूँ, यानी कि हर वीडियो मेरी अलग अलग होती है ना, किसी की लेंथ कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कंटेंट है मेरा अपना। इसका मेरे को बहुत बेनिफिट होता है।